किसान भाई बहनों को तहे दिल से झुमकी बहन का जोहार और साथ ही साथ गंदरू भाई की तरफ से भी किसान भाइयों को नमस्कार। चलिए कृषि दर्शन कार्यक्रम में आप सभी किसान भाई बहनों का स्वागत है। तो हम कृषि समाचार की ओर आगे बढ़ते हैं और दिखाते हैं कृषि समाचार जिसमें ढेर सारी जानकारी आपको मिलने वाली है। तो देखिए कृषि नमस्कार, कृषि समाचार में आपका स्वागत है। मैं हूँ पूनम। आइए देखते हैं आज कृषि समाचार में क्या है खास। हजारीबाग के मछली पालकों के निजी जमीन पर अनुदानित तालाब निर्माण की है योजना। भारतीय प्राकृतिक रॉल एवं गोंद संस्थान में एक दिवसीय मेले का आयोजन। झींगे के बेहतर उत्पादन के लिए लगाए उन्नत प्रभेद पूसा नसदार। अब समाचार विस्तार से। हजारीबाग जिला मत्स्य पदाधिकारी सह मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी कार्यालय द्वारा हजारीबाग जिला के मत्स्य कृषकों को उनके निजी जमीन पर अनुदान पर तालाब निर्माण की योजना चलाई जा रही है। एक एकड़ के तालाब निर्माण के लिए मॉडल इकाई लागत 3 लाख रुपए है। इसमें लाभुक को 80% अनुदान की सुविधा मिलेगी। शेष राशि लाभुक को स्वयं वहन करना होगा। आवेदन करने की अंतिम तारीख 6 फरवरी 2015 है। राज्य के प्रथम मछली चारा मिल से मछलियों के फ्लोटिंग फीड का उत्पादन शुरू हो गया है। रांची जिला मत्स्य पदाधिकारी सह मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी द्वारा मत्स्य कृषकों के लिए सूचना जारी की गई है कि रांची में धुरवा स्थित शालीमार फिश फीड मिल से मत्स्यजीवी सहयोग समिति द्वारा उत्पादित मछली चारा 22 रुपए प्रति किलोग्राम की दर पर उपलब्ध है। बेहतर मछली उत्पादन के लिए जो मत्स्य किसान चारा खरीदने के इच्छुक हों यहां आ सकते हैं या मोबाइल नंबर 7677278335 पर संपर्क कर सकते हैं। गेहूं फसल में चौड़ी पत्ती वाले खरपतवार के नियंत्रण के लिए 2,4-D नामक दवा का छिड़काव करें और कम चौड़ी पत्ती वाले गेहूं का मामा नामक खरपतवार के नियंत्रण के लिए सल्फो सल्फ्यूरॉन नामक दवा का छिड़काव करें। किसान भाइयों को चाहिए कि अगर 30 दिन के करीब उनका पौधा पहुंच गया है तो इस समय खरपतवार की समस्या जो गेहूं की फसल में उसके कारण गिरावट आती है, इसलिए किसान भाइयों को 2,4-D या सल्फो सल्फ्यूरॉन नामक केमिकल बाजार में उपलब्ध है उसका उनको प्रयोग करना चाहिए। इस केमिकल से जो ब्रॉडलीफ 2,4-D ब्रॉडलीफ वीड्स जो चौड़ी पत्ती वाले खरपतवार हैं उनका नाश करेगा और सल्फो सल्फ्यूरॉन से जो गेहूं में एक गेहूं की तरह दिखने वाला गेहूं का मामा कहा जाता है फेलिस माइनर उसका वो नाश करेगा और आपके फसल को खरपतवार से मुक्त रखेगा और आप ज्यादा से ज्यादा आमदनी प्राप्त कर सकते। लत्तेदार सब्जी फसल झींगी की ग्रीष्मकालीन खेती के लिए फरवरी तक फसल लगाने का काम पूरा कर लें। कृषक बंधु इस फसल के उत्पादन के लिए उन्नत प्रभेदों में पूसा नसदार, सतपुतिया, स्वर्ण मंजरी या स्वर्ण उपहार का चयन कर सकते हैं। लत्तेदार सब्जी फसल झींगी की ग्रीष्मकालीन खेती के लिए बलुई दोमट या मटियार दोमट मिट्टी वाले खेत का चयन करें। बुआई में 4 से 6 किलोग्राम बीज प्रति हेक्टेयर की दर से उपयोग करें। प्रति थाला 3 से 5 पुष्ट बीज सीधे बोएं, जिनके बीच 1.5 से 2 मीटर की दूरी रखें। अच्छी उपज लेने के लिए पूसा नसदार, सतपुतिया, स्वर्ण मंजरी या स्वर्ण उपहार में से किसी एक का चयन करें। इनकी उत्पादन क्षमता 80 से 120 क्विंटल प्रति हेक्टेयर है। टेरेस्कोपिक प्रूनर एक ऐसा उपकरण है जिसकी सहायता से किसान आम, लीची जैसे वृक्षों की ऊपरी टहनियों को काटने छाटने का काम कर सकते हैं। इस उपकरण में लंबाई बढ़ाने की भी सुविधा है। इसकी लंबाई 10 से 12 फीट तक बढ़ाई जा सकती है। भारतीय प्राकृतिक रॉल एवं गोंद संस्थान में एक दिवसीय किसान मेला सह प्रदर्शनी का आयोजन किया गया। मौके पर कृषि के विभिन्न विभागों ने अपने अपने स्टॉल लगाए। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए सांसद रामटहल चौधरी ने कृषि को उद्योग के रूप में लेने के लिए कहा। अल्लाह को कैसे हम रिफाइन करें और उसमें हम देखा कि उसमें छोटे रूप में बनाना है, बड़े रूप में बनाना है, जिसमें ज़्यादा पैसा उसको मिले उस तरह का भी ट्रेनिंग लोगों को दिया जाना, तो इससे बहुत लाभ है इस लाख से और इस संस्था से। संस्था के लोग
अधिक से अधिक लोग जुड़ें और इसका फायदा उठाएं, इसके लिए बराबर ट्रेनिंग बैठक ये सब करते रहते हैं। इससे लाभ ही लाभ है और इसमें जितने लोग जुड़ेंगे किसान के लिए बहुत अच्छा होगा। बहुत बड़ा इंडस्ट्री है एक तरह से, ये समझिए कल कारखाना बंद हो जाता है मगर ये खेती का इंडस्ट्री बंद होने वाला नहीं। कम वैसी प्राइस कभी होता है वो अलग बात है मगर ये आजीवन चलता रहेगा, आने वाला पीढ़ी दर पीढ़ी चलता रहेगा और परमानेंट जीविका का एक साधन है, इसलिए लोगों को जुड़ना भी चाहिए। और अब एक नज़र राज्य के पांच प्रमुख शहरों के मौसम के मिजाज पर। आज राज्य के पांच प्रमुख नगरों के अधिकतम और न्यूनतम तापमान कुछ इस प्रकार दर्ज किए गए। रांची का अधिकतम तापमान 22 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 9 डिग्री सेल्सियस। जमशेदपुर का अधिकतम तापमान 25 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 11 डिग्री सेल्सियस। मेदिनीनगर का अधिकतम तापमान 22 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 9 डिग्री सेल्सियस। देवघर का अधिकतम तापमान 22 डिग्री सेल्सियस, न्यूनतम 9 डिग्री सेल्सियस और धनबाद का अधिकतम तापमान 26 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 12 डिग्री सेल्सियस रहा। और अब मंडी भाव में आइए नजर डालते हैं अनाजों के भाव पर। आज कृषि उत्पाद बाजार समिति पंडरा रांची में विभिन्न खाद्यान्नों के थोक भाव कुछ इस प्रकार दर्ज किए गए। चावल मोटा 2000 रुपए से 2300 रुपए, चावल मध्यम 2400 रुपए से 2700 रुपए, चावल उत्तम 3700 रुपए से 4500 रुपए, गेहूं 1650 रुपए से 1850 रुपए, चना 3150 रुपए से 3350 रुपए, दाल अरहर 6800 रुपए से 7400 रुपए, दाल मसूर 6600 रुपए से 7200 रुपए, दाल चना 3800 रुपए से 4100 रुपए, सरसों तेल 8500 रुपए से 9500 रुपए, चीनी 3100 रुपए से 3300 रुपए, आलू 800 रुपए से 1300 रुपए और प्याज 1500 रुपए से 1700 रुपए प्रति क्विंटल रहा। कृषि समाचार में आज इतना ही, अगले दिन अगले अंक में फिर मुलाकात होगी कुछ ताज़ा तरीन खबरों के साथ। तब तक के लिए दीजिए इजाजत, नमस्कार, जोहार। किसान भाइयों, अभी आप देख रहे थे कृषि समाचार। कृषि से संबंधित तमाम तरह की जानकारी आपको मिली, मौसम के मिजाज से भी आप अवगत हो गए और मंडी के भाव का भी पता चल गया। झुमकी बहन, अब हमें लगता है कि एक छोटा सा विराम ले लेना चाहिए और उसके बाद जानकारी का सिलसिला शुरू करना चाहिए। अरे अरे, उठिए नहीं, कहीं जाइएगा नहीं, हम तुरंत हाजिर होते हैं। ये लो और बताओ। बस। अरे ये क्या भैया जी, बस इतनी सी रासायनिक खाद? किसानी छोड़ रहे हो क्या? किसानी नहीं, नादानी छोड़ रहे हैं। मिट्टी की जांच कराई है, अब तो लाला जी जितनी जरूरत है उतने ही उर्वरक खेत में डालेंगे। हाँ किसान भाई, आज ही अपने जिले की नजदीकी भूमि परीक्षण प्रयोगशाला में मिट्टी की जांच जरूर करवाएं और मिट्टी में पोषक तत्व, नमी व पौधे के विकास को देखते हुए केवल जरूरत के अनुसार ही पोषक तत्व डालें। और हाँ, मिट्टी में गंधक, जस्ता, बोरोन जैसे सूक्ष्म पोषक तत्वों का पता लगाना भी न भूलें। उर्वरक और जैविक खाद के सही उपयोग से भूमि का उपजाऊपन बनाए रखें, उत्पादकता बढ़ाएं, खर्चा घटाएं और बहुमूल्य विदेशी मुद्रा बचाने में भी सहयोग दें। और हाँ, धीमी गति से नाइट्रोजन उपलब्ध कराने वाले उर्वरकों जैसे नीम लेपित यूरिया को प्राथमिकता दें और यूरिया का पत्तों पर छिड़काव करें। अरे वाह, तू तो सचमुच समझदार हो गया रे। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें जिला कृषि अधिकारी या किसान कॉल सेंटर। विराम के बाद एक बार फिर से तमाम किसान भाइयों का स्वागत है और साथ ही साथ स्वागत है हमारे कारू दादा का। जोहार दादा। कैसे हैं? हाँ ठीक ठाक है। देखिए अब तो हम गांव-गांव घूम रहे हैं। अभी कुछ गांव में घूमे तो देखे कि लोग मैंने मुर्गी का पालन कर रहे हैं। हाँ, कांके प्रखंड की तरफ। हाँ, उसी तरफ गए थे और वो मुर्गी ना मैंने थोड़ा बहुत देहाती मुर्गी के जैसा था, उसका रंग वगैरह वैसे ही कुछ था लेकिन देहाती नहीं था। हाँ, ये कहना थोड़ा मेरे लिए मुश्किल हो रहा था। आप तो देख के आए ना, खाली उसके तो जानकारी तो पूरा मिला नहीं है। हाँ। तो चलिए जानकारी हम दिलवा देते हैं। और कहते हैं ना झुमकी बहन कि अगर हौसले बुलंद हो तो सपने साकार होते हैं। तो कांके प्रखंड के बहुत सारे गांव के ऐसे लोग हैं जिन्होंने अपने हौसले बुलंद किए और हौसले अगर बुलंद किए तो उनके सपने भी साकार हो रहे हैं। और सपने इस तरह से साकार हो रहे हैं कि अखिल भारतीय कुक्कुट शोध परियोजना के तहत उन लोगों को बहुत लाभ पहुंचाया जा रहा है और वो लाभ मिल रहा है मुर्गी पालन पर। तो आप भी लाभ उठाना चाहते हैं? तो ये तमाम जानकारी हम अपने किसान भाइयों के लिए लेकर के आए हैं। चलिए हम अपने किसान भाइयों को दिखलाते हैं। बिल्कुल, दिखाते हैं एक वृत्त चित्र। दर्शकों नमस्कार,
कृषि दर्शन कार्यक्रम के अंतर्गत उजाले की ओर में आपका स्वागत है। दर्शकों, क्या आप जानते हैं कि वैसे ग्रामीण जो कृषि कार्य करते हैं उनको और अधिक आर्थिक रूप से संपन्न बनाने के लिए हमारी सरकार कई तरह की योजनाएं चलाती है। उसी के तहत एक कार्यक्रम है अखिल भारतीय समन्वित कुक्कुट शोध परियोजना। इस परियोजना के तहत वैसे ग्रामीण जो कृषि कार्य कर रहे हैं साथ साथ मुर्गी पालन करना चाहते हैं उनको प्रोत्साहित किया जाता है, उनको प्रशिक्षण दिया जाता है तथा अन्य तरह की मदद भी दी जाती है। तो आइए इस परियोजना के बारे में विस्तार से जानते हैं हमारे BAU के वैज्ञानिकों से कि वो किस तरह से इस योजना का प्रचार प्रसार कर रहे हैं और ग्रामीणों को सहयोग दे रहे हैं। तो आइए चलते हैं और मिलते हैं। आज का युग ज्ञान और विज्ञान का युग है, नई तकनीक और नित्य नए प्रयोग का युग है। कुल मिलाकर हम कह सकते हैं कि 21वीं सदी का समाज ज्ञान आधारित समाज है। लेकिन यदि हम कृषि की बात करें तो अभी भी हमारे राज्य के अधिकांश किसान खेतीबाड़ी के प्राचीन तौर तरीकों का ही इस्तेमाल कर रहे हैं। झारखंड में अपार प्राकृतिक संसाधनों तथा फसल उत्पादन, बागवानी, पशुपालन एवं वन आधारित उद्यमों से जुड़े अवसरों को देखते हुए नई कृषि के तकनीकों के इस्तेमाल से ग्रामीण जनता का जीवन स्तर ऊंचा उठाने की पर्याप्त संभावनाएं हैं और इन्हीं संभावनाओं की तलाश में लगा है बिरसा कृषि विश्वविद्यालय। किसानों की आर्थिक स्थिति को बेहतर बनाने के लिए कृषि के क्षेत्र में नित्य नए प्रयोग और शोध का काम अनवरत चल रहा है, जिसके सफल परिणाम भी देखने को मिल रहे हैं। कृषि के विकास और किसानों के जीवन में बेहतरी की उम्मीद बगैर पशुपालन के संभव नहीं है। पशुपालन और कृषि दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। अगर हम झारखंड जैसे राज्य की बात करें तो यहाँ पशुपालन किसानों के लिए आय का एक महत्वपूर्ण साधन है। पहले पशुपालन कृषि के लिए महत्वपूर्ण आवश्यकता के साथ साथ छोटी मोटी आर्थिक आवश्यकताओं की पूर्ति का साधन मात्र था। आज पशुपालन कृषि से हटकर एक स्वतंत्र व्यापार का रूप ले चुका है और ग्रामीण अर्थव्यवस्था का मजबूत आधार बनता जा रहा है। पशुपालन अब सिर्फ गाय, भैंस, बकरी या सुकर तक सीमित नहीं है, इसका दायरा बढ़ा है। ग्रामीण क्षेत्रों में मुर्गी पालन अब एक व्यवसायिक रूप लेता जा रहा है। वैसे गांव में लोग अधिकांशतः देसी मुर्गी का पालन ही करते हैं और अगर बड़े स्तर पर पूर्णतः व्यवसायिक रूप से कर रहे होते हैं तो वायलर मुर्गियां पालती हैं। दोनों तरह की मुर्गियों को पालने में कई समस्याएं आती हैं। देसी मुर्गी ज्यादा दिनों में तैयार होती है जिससे मुर्गी पालकों को उसका उतना मुनाफा नहीं मिल पाता है जितना मिलना चाहिए। वायलर मुर्गी पालन में मुर्गियों की काफी देखभाल की आवश्यकता होती है। ये बीमारियों से ज्यादा ग्रसित होते हैं और इनके रख रखाव खान पान पर खास ध्यान देने की जरूरत पड़ती है। इसके मांस में देसी जैसा स्वाद भी नहीं मिलता और बाजार में इसकी कीमत भी कम मिलती है। किसानों को एक ऐसी मुर्गी की प्रजाति की आवश्यकता महसूस हो रही थी जिसकी बढ़वार भी अधिक हो, प्रतिदिन अंडे भी दे और बीमारियों के प्रकोप से भी बची रहे तथा स्वादिष्ट भी हो और देसी की तरह हो। कृषि वैज्ञानिक कई वर्षों से किसान की इस मुराद को पूरी करने की कोशिश में लगे थे। आखिरकार बिरसा कृषि विश्वविद्यालय के कृषि वैज्ञानिकों ने अपने 6 साल के अथक मेहनत के बाद उस प्रजाति का इजाद कर ही लिया। ये परियोजना ICAR और BAU के दोनों के सहयोग से चल रहा है और ये परियोजना का हमारा मुख्य उद्देश्य है कि हम ऐसे वैरायटी को डेवलप करें जिससे कि जो ग्रामीण भाई जो 20-25 मुर्गियां अपने घर में रखते हैं उससे उनको देसी से ज़्यादा लाभ मिल सके। जो देसी मुर्गियां वो रखते हैं उसकी जगह पर हम ऐसे प्रजाति बनाने के प्रयास कर रहे हैं जो कि उसी तरह से जिस तरह से कि कम खर्च में और उनके घर के वातावरण में रह करके बाहर चर करके और वो उनको ग्रामीण भाइयों को ज़्यादा लाभ दे सके। इसी तरह की हमने एक प्रजाति का विकसित किया है और वह विकसित करने के बाद हम ग्रामीणों के बीच में पूरा प्रचार प्रसार इसका कर रहे हैं। झारखंड में 2009 से ICAR और बिरसा कृषि विश्वविद्यालय के संयुक्त प्रयास से एक शोध कार्यक्रम चल रहा है, अखिल भारतीय समन्वित कुक्कुट शोध परियोजना।
इस परियोजना की उद्देश्य की बात करें तो इसका मुख्य उद्देश्य है मुर्गी पालन को बढ़ावा देकर किसानों की आर्थिक स्थिति को बेहतर बनाना। देखिए, ये तो हमारे परियोजना के अंदर में जिस प्रकार से हम लोगों ने एक वैरायटी को डेवलप किया, अब इस वैरायटी के लिए हम लोगों ने इसके गांव में भी शोध किया कि गांव में ग्रामीणों के पास रख करके इसका परफॉर्मेंस को देखा गया, तो ये गांव के अंदर में बहुत ही अच्छा इसका रिजल्ट आया, जिसकी वजह से हम ग्रामीणों के बीच में अगर जहां पर हम लोगों ने शोध किया और उसके अगल बगल के लोगों को भी इसकी जानकारी मिली कि इस तरह के मुर्गी का से पालन किया जा सकता है जो कि देसी से बढ़िया है और देसी की तरह ही दिखता है लेकिन इसके उत्पादन क्षमता अधिक है, अंडे उत्पादन अधिक है, तो उन्हें लगा कि इस मुर्गी को ही पालने से क्यों नहीं हम जो 10-20 देसी मुर्गी अपने घर में रखते हैं उसके जगह पर ये उन्नत किस्म की नस्ल को रखें ताकि उनकी आमदनी बढ़े। अखिल भारतीय कुक्कुट शोध परियोजना का लाभ किसानों को अधिक से अधिक मिल सके इसके लिए ICAR और BAU द्वारा लगातार प्रयास किए जा रहे हैं। इसके लिए विभाग द्वारा गांव-गांव जाकर वैसे किसानों का चयन किया जाता है जो मुर्गी पालन के प्रति उत्सुक हो और मुर्गी पालन करने में सक्षम हो। तो ये जो परियोजना है इसमें है कि यहाँ का देसी जो ब्रीड है उसको ऐसा नस्ल सुधार किया जाए ताकि उन लोग का अंडा प्रोडक्शन, मतलब अंडा जो मिलता है उन लोग को वो ज़्यादा मिले, बॉडी शरीर का वजन जो कम समय में बढ़ता है वो भी ज़्यादा बढ़े, दोनों मीट क्वालिटी, मीट भी हो जाएगा अंडा दोनों चीज़ हो जाएगा। उसके लिए हम लोग यहाँ पहले ब्रीड को पॉपुलर करना, उसके साथ फैलाना चाहते पूरा झारखंड इंडिया में वाले काम करना है, तो पहले हमने कुछ फार्मर सेलेक्ट किए हैं, हम पूरा गांव में लोकल एरिया में जाके और उस फार्मर को सेलेक्ट किए हैं जो उसको रखने के लायक कैपेबल है, उसका हाउसिंग ठीक है, सब फार्मर थोड़ा सिंसियर है तो देख रेख कर सकता है उसको, तो हम लोग उसको सेलेक्ट किए हैं और उन लोग को ले जाके हम लोग बांटे हैं, लोग जाके सब प्रत्येक फार्मर को 20-25 जैसा रहा वो दिए हैं। मुर्गी की इस नई प्रजाति को पालना कोई कठिन काम नहीं है, ये देशी मुर्गी की तरह ही पलता है, लेकिन किसानों को इसके लिए विभाग द्वारा निशुल्क प्रशिक्षण भी प्रदान किया जाता है। ये प्रशिक्षण 4-10 दिनों का होता है जिसमें मुर्गी पालन से जुड़े सभी पहलुओं की सैद्धांतिक और प्रायोगिक जानकारी दी जाती है। देखिए, प्रशिक्षण हमारे यहाँ 2-3 तरीके से प्रशिक्षण होता है। एक तो है कि कोई भी व्यक्ति किसी भी समय आकर के 10 दिनों का प्रशिक्षण तो मुर्गी पालन पर ले सकता है, जो कि जिसके लिए कि उन्हें एक कॉलेज के अंदर में 200 रुपये का रजिस्ट्रेशन कराना है और बाकी के 10 दिन इनको यहाँ ट्रेनिंग दिया जाता है। दूसरी ट्रेनिंग है इस प्रकार की है जो कि समूह में आते हैं, अगर 10-15 आदमी के मिल करके अगर आते हैं तो उनके लिए एक अलग व्यवस्था होती है जिसमें कि उनका एक सिस्टम के हिसाब से उनके क्लासेस लगते हैं, साथ में उनका प्रायोगिक कार्य में भी लगाया जाता है। तीसरी वो हमारे यहाँ तो प्रशिक्षण जो है इस परियोजना के अंतर्गत ही आपके अंदर में जनजातीय परियोजना भी लगा हुआ है जिसको हम लोग ट्राइबल सब प्लान कहते हैं, इसमें हमारे आदिवासी किसान भाइयों के लिए एक विशेष परियोजना दी गई है इस कार्यक्रम के अंतर्गत, जो कि हम उन किसानों को खास करके आदिवासी किसानों को ला करके यहाँ 3 दिनों का प्रशिक्षण देते हैं जिसमें उन्हें हम क्लासेस भी लगाते हैं, साथ में वो प्रायोगिक प्रशिक्षण भी दिया जाता है कि वो अपने से टीकाकरण कर सकें, अपने से वो दाना पानी किस तरह से कर सकें, किस तरह से मुर्गियों के खान पान की व्यवस्था रखें, तो ये सारी व्यवस्था की जानकारी उन्हें प्रशिक्षण के दौरान दी जाती है। तो दर्शकों, देखा आपने किस तरह से बिरसा कृषि विश्वविद्यालय और ICAR के संयुक्त तत्वावधान में मुर्गी की एक उन्नत प्रजाति को विकसित किया जा रहा है और इसके बारे में बहुत विस्तार से यहाँ के वैज्ञानिक और कर्मचारियों ने भी बताया। आइए मिलते हैं कुछ ग्रामीणों से जो इस परियोजना के तहत लाभ ले रहे हैं। चलिए, यहाँ एक दिन के लिए मुझे बताया गया था कि इस तरह से इसको केयर करना है, इसको देखभाल करना है, इतना लिमिट मात्रा में चारा देना है इसको, और बीच में लोग अफसर लोग आते हैं और वैक्सीन वगैरह देते हैं। शुरुआत हम लोग जो डॉक्टर पर निशान पड़े हैं उन्होंने बताया कि यहाँ वेटनरी से जो पालने के लिए मिलता है किसान लोगों, तो हमारे को बताया तो हम लोग 4-5 आदमी को हम लोग दिलवाए वहाँ पे जाके। इस प्रजाति के मुर्गी पालन से किसानों को काफी लाभ हो रहा है। अभी तक किसान देसी और वायलर मुर्गी का पालन ही करते आ रहे थे, लेकिन इन दोनों प्रजातियों की तुलना में ये नई प्रजाति काफी फायदेमंद साबित हो रही है। बॉयलर से भी डिफरेंट है ये, इसको पालने में कोई ये ज्यादा खर्च भी नहीं पड़ता है और ये
दिखने में तो देहाती जैसे ही दिखते हैं, मतलब देसी टाइप के दिखते हैं, और ये ज़्यादा कुछ नहीं पड़ता है लोगों को पालने में। ब्रॉयलर तो हम नहीं सुने हैं, ब्रॉयलर का काम रहता है, वो लोग का काम सिर्फ रहता है बिजनेस करना ब्रॉयलर का। और इसमें है कि मेहमान सब आ जाने से भी हम लोग का जो पैसा वैसा नहीं रहता है, उसमें मेहमान लोग को जो खिलाना पिलाना पड़ता है, इसी से हम लोग का स्रोत हो जाता है। जैसे गाँव में पाला जाता है वो मुर्गी से ये जल्दी तैयार होती है और ये अंडे भी जल्दी देना स्टार्ट करती है, फिर इसमें बीमारी कम होती है। आज इस प्रजाति से काफी किसान जुड़े हैं जो इस प्रजाति के मुर्गी पालन कर अपनी आर्थिक स्थिति को बेहतर बना रहे हैं। आइए हम आपको कुछ ऐसे ही किसानों से मुलाकात करवाते हैं। ये हैं कुंदन कुजूर, जो अपनी पढ़ाई के साथ साथ मुर्गी पालन का छोटा सा व्यवसाय भी कर रखा है। हाँ, कुछ जैसे कि कोई अंडा देते हैं तो इसको हम लोग बेच के जैसे हुआ कि कुछ मतलब अपना जरूरत का सामान हम खरीद सकते हैं। जैसे कुछ जैसे हुआ विद्यार्थी के लिए क्या कॉपी कुछ ये हम लोग खरीद सकते हैं इसको अंडे के बेच के। मतलब ये जो है मुर्गी पालन से आपकी पढ़ाई में भी मदद मिल रही है। पढ़ाई में मदद, इसमें अगर किसी तरह की कोई समस्या होती है पालने के दौरान में तो आपको किस तरह की मदद मिलती है तकनीकी रूप से लोग? हाँ, जैसे कुछ अगर प्रॉब्लम होता है तो सर वहाँ के डॉक्टर सबसे हम ये संपर्क करते हैं कि सर ऐसा प्रॉब्लम है चाहे कुछ, तो वहाँ से दवा मिलता है। तो हमारे दर्शकों को आप ये बताएं कि ये जो आप मुर्गियाँ पाल रहे हैं ये अन्य मुर्गियों से किस तरह से बेहतर है? ये इसमें ज़्यादा ये कॉस्ट नहीं पड़ता है ये, और मतलब इसके पीछे ज़्यादा खर्च भी नहीं है, और ये जल्दी मतलब अन्य मुर्गी के अलावा ये जल्दी ये मतलब जिस रोगी होते हैं वो नहीं होते हैं। दर्शकों, अभी आपने देखा कि किस तरह से हादी चौक के कुंदन जो कि एक विद्यार्थी हैं, उन्होंने मुर्गी पालन को अपनाया है और अपने आप को सशक्त करने की कोशिश की है। अभी हम एक और शख्सियत से मिलेंगे जो कि कांके के मुखिया हैं, सामाजिक कार्यों में जुटे हुए हैं, लेकिन साथ साथ वो मुर्गी पालन भी कर रहे हैं और लोगों को भी प्रोत्साहित कर रहे हैं कि वो इस क्षेत्र से आके जुड़े। तो आइए उनसे मिलते हैं और जानते हैं उन्होंने कैसे शुरुआत करी और कैसे इस काम को आगे बढ़ा रहे हैं। सुकरहुटू पंचायत के विल्सन गुड़िया वैसे तो समाज सेवी हैं, ये इस पंचायत के मुखिया भी हैं। इनका पूरा समय जनता के बीच समाज सेवा में व्यतीत होता है, लेकिन समय निकालकर मुर्गी पालन भी करते हैं। आइए इनसे जानते हैं इतनी व्यस्तता के बावजूद मुर्गी पालन के लिए कैसे समय निकालते हैं और इसकी शुरुआत इन्होंने कैसे की। आपसे ये जानना चाहेंगे कि आप चूंकि मुखिया भी हैं, आप बहुत जिम्मेदारी का काम भी कर रहे हैं, तो और सब जो लोग इस चीज़ से मुर्गी पालन से जुड़ना चाहते हैं उनको आप कुछ प्रोत्साहित करते हैं, उनको कुछ आप बताते हैं इसके बारे में? हाँ हाँ, वो लोग तो बतलाते हैं, जब भी जो भी मिलता है सर्किल में लोगों को बतलाते हैं। मुर्गी पालन के इस व्यवसाय में सिर्फ पुरुषों की भागीदारी नहीं है, इस व्यवसाय से जुड़कर महिलाएं भी अपने को सशक्त और मजबूत बना रही हैं। आइए आपको मिलवाते हैं कुछ ऐसी ही महिलाओं से। सुबह हम निकालते हैं, दाना देते हैं, थोड़ा थोड़ा घूमता है सब इधर उधर, फिर घुसा देते हैं अंदर में। जैसे कि बाहर जाता है तो बहुत कोई लगा ले खेती होती है तो मार उड़ देता है, उसे घुसा कर चल जाते हैं अपना काम में बारी में। ठीक बचत है तो अभी कोई मेहमान मन भी आता है तो हम लोग बाहर जाते हैं खरीदने, तो अभी घर में रहता है तो उसी को मार देते हैं दे देते हैं। आप चूँकि महिला हैं, घर में भी आपको काम करना पड़ता है, बाहर भी देखते होंगे, तो घर के कामों में और मुर्गी पालन में किस तरह से तालमेल बिठाते हैं? क्या इसमें बहुत ज़्यादा समय देना पड़ता है? नहीं, इसमें कोई समय नहीं देना पड़ता, बस सुबह में दाना पानी दे देते हैं, फिर दोपहर में पानी वगैरह अगर खत्म हो जाता है तो देते हैं, फिर ज़्यादा मेहनत नहीं लगता है, ज़्यादा मेहनत नहीं करना पड़ता है। ये है विजय कुमार महतो, इनका कहना है कि इस प्रजाति की मुर्गी पालन पर खर्च न के बराबर होता है, और जो खर्च होता भी है तो वो इसके अंडे बेचकर निकल जाते हैं। घर के सामने आकर देखते हैं बोर्ड लगा हुआ है कि आप क्या चीज़ पाले हैं, तो उनको हम बतलाते हैं कि हमको वेटनरी से हमको मदद मिला है, उसी के अनुसार काम कर रहे हैं, हमको बहुत अच्छा चीज़ है और बहुत जल्दी तैयार होता है, और वे मुर्गी को यानी कि ब्रॉयलर की तरह नहीं है, ये देहाती की तरह खुला छोड़ देते हैं पूरे जो बाउंड्री के अंदर में वहाँ, ये सब यह बहुत जल्दी तैयार होती है। मतलब जी, अगर मुर्गियों के पालने के खर्च पर अगर बात करें तो ये किस तरह से आप नियंत्रण में रखते हैं, कैसा है खर्च इसका? खर्च इसका बहुत कम लागत है, जैसे दुकान से खरीद के लाते हैं और जो अंडे देते हैं वही पैसा से बेच के और दाना पानी सब ले आते हैं। गांव में इस प्रजाति के मुर्गी पालन का क्रेज लगातार बढ़ता जा रहा है,
लोग एक दूसरे को देखकर भी मुर्गी पालन का व्यवसाय अपना रहे हैं। ये है जोगेश्वर महतो, जो कृषि के साथ साथ ठेकेदारी का काम करते हैं। अब ये मुर्गी पालन कर अपनी छोटी मोटी जरूरतों को पूरा कर रहे हैं। मुर्गी पालन से पहले मेरा पैसा था कृषि, मतलब कृषि का कार्य करते थे और बस वो ठेकेदारी वाला जो काम उम होता था उसी वही काम सब करते थे। और मुर्गी पालने के बाद से कुछ मतलब कि कुछ बदलाव हुआ है, जिसमें कि तरह तरह के जैसे कि कभी पैसा का कमी हुआ तो कुछ पैसा आ जाता था बेचने से, प्लस घर में जैसे कि पैसा कमी या बाहर से अंडा उंडा लाना पड़ता था उसमें मार्केट में ज़्यादा रेट रहता था, लेकिन घर में मेहमान सब आ जाने से मतलब कि कुछ बोझ कम हो जाता है। और खेती बाड़ी जो करते हैं उसमें घास उस का जो उपज होता है उसी को ला के हम लोग मुर्गी को खिलाते हैं। और बीमारियों के बारे में अगर बात करें तो देसी से ये कैसे बेहतर है? देसी से ये अच्छा है, बीमारी इनको वैसा बराबर नहीं पड़ता है। और देसी में है कि जैसा पड़ता है जैसे कि दौरा की हमेशा जैसे एक दौर होता है उसमें बराबर जैसे घर घर फैलने लगता है बर्ड फ्लू की तरह, वो सबका घर में धीरे धीरे जो देहाती वाला है वो सब धीरे धीरे मरने लगता है, कमजोर होने लगता है। इसमें वैसा इस प्रकार का इसमें नहीं होता। अभी आपने देखा कि जलेश्वर महतो जी ने किस तरह से अपनी बात कही, उनकी बातों में आपके लिए हास्य का पुट हो सकता है, आनंद का पुट हो सकता है, लेकिन उनके लिए यथार्थी। उन्होंने कहा कि उनके घर पर कोई अतिथि आते थे तो उनको खिलाने के लिए उनको सोचना पड़ता था, लेकिन आज की परिस्थिति में वो इस बात को लेकर निश्चिंत हैं कि कोई अतिथि उनके घर पे आए तो उनको क्या खिलाएं। मुर्गी पालन के इस व्यवसाय से आज सैकड़ों किसान जुड़ चुके हैं और अपनी आर्थिक जरूरतों को पूरा कर रहे हैं। मुर्गी पालन से आज उनके जीवन में समृद्धि आई है, लोगों के हौसले बुलंद हैं और इस बुलंद हौसलों के साथ अपने सपने को साकार करने में लगे हैं। दर्शकों, आपने देखा कि किस तरह से बिरसा कृषि विश्वविद्यालय और ICR ने संयुक्त रूप से मुर्गी की ऐसी अच्छी प्रजाति विकसित की है जो कि ग्रामीणों को काफ़ी आर्थिक मदद दे रही है। इसके लिए दोनों संस्थाएं धन्यवाद की पात्र हैं। उजाले की ओर के आज के अंक में बस इतना ही। अगले अंक में किसी और इलाके में, किसी और गाँव में, किसी और विषय पर बात होगी। तब तक के लिए धन्यवाद। वाह, अरे तो हम खाली बस देख उख के आ गए थे। आप जाने आपका विरचित से कि कैसे इसका पालन करना है, कैसे ये रोज को अंडा देती है और कैसे और देसी मुर्गी से मैंने बेहतर नस्ल है ये। बिल्कुल बिल्कुल। तो दादा हम यही कहते हैं कि जब आप जानकारी लेने जाएं तो पूरी जानकारी लेने की कोशिश करनी चाहिए। लगता है झुमकी बहन की अब किसान भाइयों से विदा लेना चाहिए, तो विदा लेने से पहले हम अपना पता बता दें। बिल्कुल बता देते हैं, हमारा पता है कार्यक्रम कृषि दर्शन, कृषि प्रकोष्ठ द्वारा केंद्र निदेशक, दूरदर्शन केंद्र, रातू रोड रांची, पिन संख्या है 8340001। तो हमें रहेगा आपके खतों का बेसब्री से इंतजार, लिखना बिल्कुल मत भूलिएगा, फटाफट हमें खत लिखिए। तो किसान भाइयों, इसी के साथ हम सबको दीजिए अनुमति। नमस्कार।